नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के कैलकुलेटर की एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। दोस्तों ये सीक्रेट सेटिंग आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। अगर आप लड़की हैं, आप चाहती हैं कि आपके कोई फोटोज या प्राइवेट डाटा को कोई दूसरा ना देखे आपके घर में भी, तो भी आप इस सेटिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लड़के हैं, आपने जो भी डाउनलोड किया हुआ है इंटरनेट से, मान लीजिए किसी भी तरह की वीडियोस अगर आप अपने फ़ोन में रखते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई भी उनको ना देख ले, तो भी इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप कुछ चीज़ें छुपाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट छुपा कर रखना चाहते हैं, तो भी आप इस सेटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। छोटी सी ऐप है और बहुत ही कमाल की ऐप है। देखिए आपको ये मेरे फ़ोन में ये दिख रहा होगा, ये कैलकुलेटर है एक तरह का। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको यूज़ करता हूँ और मैंने इसमें अपना एक पासवर्ड भी बनाया हुआ है, और वो कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सिंपली कैलकुलेटर है, अगर हम इसमें हिसाब किताब करेंगे तो देखिए मैं इसमें आपको एक हिसाब करके दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ही ये वर्क करेगा, लेकिन जब इसमें आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे कि मैंने अपना ये पासवर्ड डाल दिया और पीले बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो देखिए ये इसमें कुछ और ही चीज़ या और ही जो काम इसके फीचर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले देखिए मैं यहाँ चेंज पासवर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए जब आप पासवर्ड जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो इस तरह से आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। सबसे पहले ही आप पासवर्ड अपना रख लीजिएगा। ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो बहुत ही ईजी हो, आपको याद रख सकें, लेकिन दूसरा उसे गैस ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बना दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने ईजी सा रखा हुआ है। देखिए अब कन्फर्म पासवर्ड के लिए पूछा तो मैंने वो इसको दोबारा डाल दिया। अब आप यहाँ पे देखिए एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा कि यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी पासवर्ड डाल देना है, दूसरा पासवर्ड। मतलब अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएं तो यहाँ पर आप अपना दूसरा पासवर्ड डाल के भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, आप उसे ध्यान से देखिए। नंबर बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जमा प्लस का निशान है, फिर उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक गिनती है, फिर प्लस का निशान है, फिर 9 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती है। जैसे आप उसको फिर यहाँ डालेंगे, आप अपना पासवर्ड आपको दोबारा मिल जाएगा या आप बनाने इसमें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पासवर्ड इस तरह से, अब बना लेंगे आप पासवर्ड। अब जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालते इस तरह से ये इसकी जो एप्लीकेशन का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा हाइड फाइल्स का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। यहीं पर आप अपना जो डाटा है, जो भी आप चाहते हैं प्राइवेट चीज़ें जो दूसरों ना देखें, तो यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर हाइड फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि आप क्या चीज़ यहाँ पर छुपा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर आपकी बहुत सारी चैटिंग है, या व्हाट्सएप की किसी ने वीडियो भेजी हुई है, फ़ोटोज़ हैं आपकी, तो आप वो यहाँ पर मीडिया में देखिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप वीडियो, व्हाट्सएप वॉइस नोट है, व्हाट्सएप इमेज है, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर वो सेव हो जाएंगी। अगर आपने मान लीजिए कुछ डाउनलोड किया है, आपने कुछ डाउनलोड किया है और आप चाहते हैं कि वो डाउनलोड वाली चीज़ें आपकी छुपी रहें, तो आप उस डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखिए फिर आपसे यहाँ ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप MP3 जो आपके सॉन्ग्स हैं उन्हें डाउनलोड यहाँ पर छुपाना चाहते हैं या फ़ोटोज़ छुपाना चाहते हैं, और अगर कोई वीडियो होगी तो यहाँ पर MP4 या SD जो भी होगा वो लिखा हुआ आएगा। मेरे फ़ोन में अभी कोई वीडियो नहीं है जो मैंने डाउनलोड किया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी 2-3 चीज़ें जो हैं वो हाइड करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर MP3 सॉन्ग आपको दिख रहे हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा हाइड फाइल पर जाना है आपको, तो आपको इस तरह से जो भी चीज़ें हाइड करनी है आपको वहाँ पर बार बार जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप हाइड कर देंगे उसके बाद आप बैक हो जाइए। देखिए अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में कुछ चीज़ें आपने छुपा रखी है कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्हें आप वापस कैसे लाएंगे। तो आपको अपने कैलकुलेटर पर दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा अनहाइड फाइल्स, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए अनहाइड फाइल में आपको 2 चीज़ें दिख गई हैं। अब आपको जो भी अनहाइड करना है उस फोल्डर पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके फिर उसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सारी फाइल आपको दिख जाएंगी। ओके, बाद यहाँ पर ऊपर 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन है अनहाइड ऑल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अनहाइड हो गया है। अब इसके बाद इस पर आप क्लिक कर दीजिए, अगर ये भी आपको अनहाइड करना है तो फिर ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे अनहाइड ऑल, और यहाँ पर ये अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कोई भी फाइल देखिए
यहाँ पर हिडन में आपको नहीं दिखाई देगी। इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि आप अपने फ़ोन के कैलकुलेटर की एक सीक्रेट सेटिंग को इस्तेमाल करके अपनी प्राइवेट डाटा को किस तरह से छुपा कर रख सकते हैं दूसरे लोगों से। तो अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।